खबरों की नई पहचान। धनबाद के जिला परिषद मैदान में हस्तशिल्प मेला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सरजू राय पहुंचे और फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए सरजू राय ने बताया कि यह मेला उन लोगों के लिए है जो हमारी सभ्यता और हमारी विरासत और हमारी कल्चर को दर्शाते हैं। वही विधायक सरजू राय ने लोगों से अपील की कि यहाँ इस मेले में आकर कुछ जरूरत के सामानों को खरीदें। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और जो स्वनिर्मित सामग्री है, जिसको कि आज आधुनिकता के दौर में मार्केट नहीं मिल पाता है, बड़ा बड़ा विज्ञापन, बड़ा बड़ा पूंजी के चलते जो लोग अपना व्यवसाय नहीं कर पाते हैं, वैसे लोगों को हम लोग ये प्रयास करते हैं छोटा सा मंच उपलब्ध कराने का, मार्केट उपलब्ध कराने का, जिससे कि वो अपना जीवन यापन, रोजी रोजगार कर सके और जो अपना जो उत्पाद बनाते हैं उसका खरीद बिक्री और प्रदर्शन कर सके। जो भारतीय मजदूर संघ के जिला के सचिव हैं, उन्होंने शिल्प मेला लगाया है। इस मेले की उपयोगिता हर साल साबित होती है, बड़ी संख्या में ग्राहक आते हैं और ऐसे सामानों को खरीदते हैं जो उचित मूल्य पर यहाँ और बाहर से जो कारीगर हैं वो बनाकर यहाँ लाते हैं। इसका दोहरा लाभ होता है, लोगों को भी उचित मूल्य पर ऐसे सामान मिल जाते हैं जो यहाँ कहीं भी किसी दुकान पर एक साथ नहीं मिलते हैं। तो मेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनके लिए तैयार करता है जहाँ घूम कर, देख कर, चुन कर, अलग अलग स्टॉल पर जाकर वे अपने उपयोग का सामान उचित मूल्य पर अपेक्षाकृत सस्ते दाम पर करते हैं। और जो लोग हस्तशिल्प के काम में हैं, अपने हाथ से मेहनत करके, अपने पसीने से, अपने हुनर की बदौलत चीज़ों को तैयार करते हैं, उनके लिए भी बाज़ार मिल जाता है। तो यह समाज के वैसे वर्ग के लिए जो बहुत साधन संपन्न नहीं है, कमाई और बचत का साधन है, ऐसे लोगों को मेले से कमाई होती है। जो दूर दराज के गांव में भी बैठ कर अपने घर में अपना सामान बनाते हैं अपने हुनर के आधार पर, और धनबाद के लोगों को भी ऐसी सारी सामग्रियां जो विभिन्न जगहों पर बनती हैं एक साथ यहाँ दिखाई पड़ जाती हैं,